अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैम अपना नाम बताइएगा। जी शाइस्ता खबर मेरा नाम है। ठीक है मैम, बेसिकली आज आपका किस चीज़ का स्टॉल है और आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं जी इस एक्सपो की ओवरऑल डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। और ये जो आपको दो राउंड्स नज़र आ रहे हैं दोनों हॉल्स में, और ये बैम्बूज़ के साथ मैंने थोड़ा प्ले अप किया है, ये दोनों मेरी क्रिएटिविटी है। वेरी नाइस। और इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज ये किया कि नॉर्मली जो अरेंजमेंट्स होते हैं उसके अंदर फूल और पत्तों के साथ लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, ये एग्रीकल्चर के ऊपर है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए है, तो मैंने इसके अंदर सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं अपने डिज़ाइन में। और ये थोड़ा सा इनोवेटिव डिज़ाइन की वजह से शायद हाईलाइट ज़्यादा हो रहा है और लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। वेरी नाइस। क्योंकि जहाँ पे भी हम जाते हैं देखते हैं फ्लावर से डेकोरेशन हुई हुई है या थोड़ी सी इस तरह की डेकोरेशन में मिलती है। दिस इज़ समथिंग न्यू जो कि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। मैंने देखा है कि बहुत डिफरेंट फ्रूट्स के साथ, बैम्बूज के साथ बड़ा डिफरेंट आपने इसको डिज़ाइन किया है। सो अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप खाली एक्सपो में ही कर रही हैं या ओवरऑल इवेंट्स पर भी आप ये डिज़ाइनिंग करती हैं? मैं जी ओवरऑल इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों करती हूँ। और इसमें ये कि माशाल्लाह थोड़ी बहुत जगह बनी हुई है, तो जिसको भी कोई काम वगैरह होता है, कोई उनको क्रिएटिव काम करवाना है, कुछ ज़रा कह लें कि डिफरेंट कोई चीज़ चाहिए, तो वो मैं उनको क्रिएट कर देती हूँ। मैं मॉन्यूमेंट डिज़ाइनिंग भी करती हूँ। अच्छा। और फ्रेश और आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ भी देती हूँ। ये बताएं कि आप खाली डिज़ाइनिंग करके दे रही हैं या आपने कोई इंस्टीट्यूट भी खोला है कि ताकि जो न्यू जनरेशन है वो भी इस चीज़ को सीख सके आपसे, इसके बारे में क्या क्या? मैं जी करती हूँ वैसे ऑफ एंड ऑन वर्कशॉप्स, और उसके अंदर ये कि बिगिनर्स के लिए भी है और एक्सपर्ट्स के लिए भी है, लेकिन क्योंकि माशाल्लाह काम वगैरह में थोड़ा सा बिज़ी ज़्यादा होती हूँ, तो कोशिश ये होती है कि थोड़ी गैप के बाद कर लूँ, तो रूटीन चल रही है। ठीक है, लोगों का रिस्पांस इसके ऊपर क्या है? क्योंकि ये थोड़ा आर्ट जो है ये ज़रा चेंज है, डिफरेंट है, तो हर एक को पसंद आता। ये जो फ्रेम बनाया हुआ है ये आपने खुद बनाया है? सर इसको हाईलाइट करें ज़रा, ये जो फ्रेम है ये आपने खुद बनाया है? हाँ जी, ये मैंने फ़ोटो बूथ बनाया है और हर एक ने स्टॉल में अपनी कोई ना कोई चीज़ प्रेजेंट की। मैंने लोगों के लिए आसानी की है, वो आएँ इसमें तस्वीर उतारें, आप ख़ुद भी उतार सकते हैं। ठीक है, वेरी नाइस, समथिंग वेरी डिफरेंट। और जैसा ज़रात से है तो बैम्बू से आपने जो बनाया है इट्स वेरी समथिंग डिफरेंट। ठीक है, कोई पैगाम जो आप लोगों को देना चाहें? मेरे ख्याल से लोगों को किसी न किसी क्रिएटिव काम में ज़रूर अपना ध्यान करना चाहिए, उससे आप टेंशन्स और डिप्रेशन्स और बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं, और स्पेशली फीमेल्स गॉसिप्स और बाकी चीज़ों से आप आज़ाद हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी। अच्छा, आप न्यू लोगों को, न्यू इरा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? किसी न किसी क्रिएटिव काम में जो है वो सबको ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे आप कुकिंग में इंटरेस्ट है वो कर लें, आप बेकिंग कर लें, या आप कुछ नया करने की कोशिश करें, डिफरेंट डिशेस ट्राई करें। और अगर आप क्रिएटिव काम में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो तो आप टेंशन और डिप्रेशन टाइप की बीमारियों से आज़ाद हैं। और फीमेल्स जो हैं उनको तो वैसे भी ड्रामे देखने से बेहतर है, गॉसिप्स करने से बेहतर है कि वो इस तरफ कि वो किसी भी ये फ्लावर अरेंजिंग की साइड पे आ जाएं, ये बड़ी मज़े की खूबसूरत फील्ड है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ शाइस्ता खावर हैं और उन्होंने बड़े अच्छा पैगाम दिया है कि औरतों को चाहिए कि थोड़ा क्रिएटिव हों, गॉसिप्स इधर उधर की करने से बेहतर है कि आप अपने आप को, इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये भी देखिए एक वेरी, इट्स वेरी आर्टिस्टिक जो इन्होंने फ्रेमिंग की है, जो पिक्चर्स के लिए बहुत बनाया है, तो इसको बेहतर है कि अगर हम न्यू इरा को चाहिए कि गॉसिप्स को छोड़कर क्रिएटिव थोड़ा हो जाए, क्रिएटिव माइंड की तरफ आएँ। थैंक यू सो मच, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।